दोस्तों, आजकल हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कोई अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो कोई अपने रोजगार को लेकर तनाव में जीवन जी रहा है। यहाँ तक कि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर भी आजकल डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। क्या हमारे हिंदू ग्रंथों और अध्यात्म में इसका समाधान है? आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के कुछ तरीकों को अपनाकर हम किस तरह से डिप्रेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले हम ज्योतिष शास्त्र के तरीकों से जानते हैं कुछ उपाय। इसमें सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसे सिरहाने के पास रखकर सोए और सुबह उस जल को बाहर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। ऐसा कम से कम आपको 43 दिनों तक करना है। अगर आसपास कोई वृक्ष या पेड़ न हो तो उसे किसी नाली में भी बहा सकते हैं। इसमें आपको दूसरा काम ये करना है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ सकते तो उनके नाम का ओम हनुमंते नमः का जाप जब भी समय मिले तो करते रहें। इसमें तीसरा उपाय है, घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं या घर में सुबह शाम रात को कपूर की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इसके साथ साथ आप वास्तु के कुछ उपायों को अपनाकर भी डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसमें पहला उपाय तो यह है कि आपको दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना है। इसमें दूसरा उपाय यह है कि आपको तामसिक भोजन जैसे अंडा मांस इत्यादि का सेवन ना करें और रात में हल्का भोजन करें। इसमें तीसरा उपाय है कि आप दिन में या दोपहर में सोना छोड़ दें। चौथा उपाय है कि किसी भी प्रकार का नशा अथवा दवाई का सेवन ना करें। वास्तव में पांचवा उपाय है कि सोने से पूर्व अपनी सारी चिंताओं को सोचकर न सोएं, क्योंकि जीवन में महत्वपूर्ण अगर भोजन पानी और सांस लेना है तो उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नींद लेना भी है। छठा और अंतिम उपाय है, रात में देर तक जगना और सुबह देर से उठना छोड़ दें। नींद का टाइमिंग बिगड़ने से नींद में कमी आ जाती है। इससे भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। दोस्तों, इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर आप निश्चित ही डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।